राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। अभी हम जहाँ मौजूद हैं, ये शिल्प ग्राम बनाया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से साड़ी बनाई जाती है। कोसा की साड़ी बनाने के लिए कि किस तरह से ताना बाना रहता है, धागा रहता है, उसको कैसे निकालते हैं, किस तरह से उसको बनाया जाता है, पूरा आप देख सकते हैं। पूरा कह सकते हैं इस जगह पर ही बैठ के पूरी साड़ी बनाई जा रही है। आइए हम इन कारीगर से बात करेंगे कि वो साड़ी को कितने दिनों में बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं और कितना समय लगता है, किस तरह से मेहनत लगता है, इनसे जानते हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं, पहले बता दीजिए। बिलाईगढ़ से। क्या नाम है आपका? सरस्वती देवांगन। अच्छा, आप लोग क्या करते हो, क्या क्या काम करते हो? हाथ करखा का काम करते हैं। अभी क्या बना रहे हो आप? हम साड़ी बना रहे हैं कोसा का। अच्छा, ये क्या कहलाता, क्या धागे और क्या कहते हैं इसको? इसको हम छत्तीसगढ़ी में राहटा बोलते हैं और हिंदी में इसको चरखा बोलते हैं, और इसको हम छत्तीसगढ़ी में गौरिया बोलते हैं, इसको आसारी बोलते हैं। इसको आसारी बोलते हैं। हाँ। अच्छा, क्या काम क्या है तीनों का, अलग क्या क्या काम है? ये सब इसी का साड़ी बनाने का काम है। पहले यहाँ से इसको हम निकालते हैं, इसको निकालते हैं, उसके बाद ये यहाँ पर आ जाता है ना, ऐसे सुझा कर, उसके बाद हम यहाँ पर डालकर, मतलब ऐसे धागा मिलता होगा आपको? हाँ, ऐसे रेडीमेड मिलते हैं। उसके बाद हम इस पर ना ऐसे कणा भरते हैं, हम कणा बोलते हैं इसको। हाँ। तो हम कणा भरते हैं ऐसे कर चरखा पे। ये क्या कहलाता, कणा? हाँ, हम कणा बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ी में कणा बोलते हैं इसको। अब इसमें धागा लगाने के बाद क्या करते हो आप लोग? ये धागा बना लिए से ये बन गया है। हाँ, हाँ। इसको फिर उसके वहाँ पर काम आता है, वहाँ पे काम आता है। हाँ, साड़ी बनाने का। अच्छा, एक साड़ी कितने दिन में बनाते होंगे आप लोग? सिंपल साड़ी 3 दिन 4 दिन लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक, तो 3 दिन 4 दिन में बन जाता है। और जब डिजाइन डालते हैं ना, तो हफ्ता भर लग जाता है, हफ्ता 8 दिन 10 दिन ऐसे हो जाता है। अरे कितने, मतलब आप लोग कहीं सीखे हो कि पुश्तैनी? नहीं, पुश्तैनी है। परिवार में और लोग भी करते हैं ये काम? हाँ, करते थे पहले, मम्मी पापा करते थे, अब यहाँ हम लोग करते हैं। अब पति पत्नी, अब बच्चे हैं, साथ देते हैं, वो भी वही करते हैं। काफी महंगा, मेहनत ज्यादा होती है, इसलिए प्रोडक्ट महंगा होता है। साड़ियाँ ये महंगी होती हैं, कई बार हम लोग ले नहीं पाते। हम खुद पहन नहीं पाते महंगे के नाम से। हम बनाते हैं, हम मजदूर हैं, बनाते हैं, हम मेहनत करके दे देते हैं। जो हमको धागा दे देते हैं, हम बना लेते हैं, फिर हम दे देते हैं उनको। मतलब इतने अरमानों के साथ, इतने डिजाइन से बनाते हो, पर आप इसको धारण नहीं कर पाते? हाँ, नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है ना, इसलिए हम नहीं ले पाते इसको। श्रम लगता है, कभी कभार एक आध रखते हैं, जो बिगड़ जाता है उसको कोई नहीं लेता। हमसे काम भी करवाते हैं ना, वो भी नहीं लेता इसको। अच्छा। तो हम वैसे ही को रखते हैं। क्या लगता है आपका भरण पोषण हो जाता है, और कुछ मदद की जरूरत है सरकार से? जरूरत तो है, ये हमारा काम जो है ना, बहुत इसमें आमदनी काम है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। नहीं, आप लोग तो सस्ते में देते होंगे, बड़ी बड़ी दुकानों में कई कीमतों में बिकता है, कई गुना कीमत में बिकता है। क्या है, हम मजदूर है ना, हमको दे देते हैं धागे, तो हम काम करते हैं और बना के हम साड़ी दे देते हैं, हमारे मेहनत का पैसा मिलता है हमको। अच्छा, अच्छा, पीछे चरखे पे ऊपर बैठे हो, कौन है? वो मेरा बेटा है, वो साड़ी बना लेते हैं। हाँ, उसके पापा का हाथ पटाता है, उसका पापा काम करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत कर लेता है। उनसे बात कर लेते हो, क्या करते हैं, कैसे क्या क्या बनाते हैं? अब अभी ये तो धागा था, ताना वाना, किस तरह क्या 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 कर रहे हो बेटा आप अभी? आप इसको हम लोग चला रहे हैं। ये क्या कहलाता है, क्या जिसको आप इधर उधर फेंक रहे हैं, मतलब ये क्या कहलाता है? ये नरी कहलाता है। यहाँ पर सो दिए हैं, वो ऐसे फिट होता है, सूई धागा जैसा। उसके बाद ये फिट होने के बाद ऐसे ऐसे चलता है, आता है, ये बस इधर से उधर होता रहता है, साड़ी बनता रहता है। परिवार के साथ काम करते हो? हाँ। तो पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई करता हूँ, 11 कॉमर्स में हूँ अभी। 11वीं में कॉमर्स पढ़ रहे हो? हाँ। क्या करना चाह रहे हो आगे इसी लाइन में कि दूसरा कुछ करना है? अभी दूसरा कुछ करना चाहता हूँ। क्या चाहते हो? बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बिजनेसमैन? हाँ। इसका भी बिजनेस तो अच्छा चलता है, बहुत महंगी बिकती है साड़ी तो। हाँ, महंगी बिकती है, लेकिन अभी तो कोरोना की वजह से पूरा तो डाउन हो गया है। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि एक आए हुए हैं दूरस्थ स्थलों से, और जो साड़ी बनती है कोसा की साड़ी, जो बड़े बड़े लोग पहनते हैं, काफ़ी महंगी होती है, और इस साड़ी के लिए लोग दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन इन्होंने जैसा बताया, इनका दर्द यह था कि बनाते तो ये हैं साड़ी, लेकिन खुद धारण नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि इसे पहनना इनके लिए संभव नहीं होता है। लेकिन आज जिस कलाकार को कह सकते हैं इधर छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं, रायपुर में आए हैं, इनके हुनर को देखकर सभी सलाम कर रहे हैं और आने वाले समय में इनके और कह सकते हैं इनके जो प्रोत्साहन मिले या इनको सरकार और मदद कर सके साड़ी के उद्योग को बढ़ाने के लिए या कोसा उद्योग को, ऐसी इनकी आस भी है। कैमरा मैन जय साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।